हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टुडे स्पेशल में। तो दोस्तों, आलू और बूंदी का रायता तो मोस्टली घरों में बनता रहता है, लेकिन आज हम बहुत देसी तरीके से बनाने जा रहे हैं बथुए का रायता, जिसे आप बहुत ही कम समय में बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही पौष्टिक होता है, आप लंच डिनर किसी में भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बथुए का रायता बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बथुए को वॉश करेंगे। करीब हम आधा किलो बथुआ हमने यहाँ पर लिया है, उसे हम सबसे पहले बिना काटे वॉश करेंगे। दोस्तों, अगर हम इसे काट कर वॉश करेंगे तो इसके सारे न्यूट्रिशंस मिनरल्स सब निकल जाएंगे, तो हम इसे बिना काटे ही वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद हम इसे कुकर में चढ़ा देंगे। आप चाहें तो इसे बिना कुकर की हेल्प से भी बना सकते हैं। उसके बाद करीब हम दो ग्लास पानी हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद दोस्तों, हम इसे गैस पर चढ़ा देंगे। तो उसके बाद हम इसे एक या दो सीटी में ही हमारा उबल जाता है। आप इसमें चाहें तो दो सीटी लगा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा बथुआ उबल कर तैयार हो चुका है। अब हम सिल बटने पर रखकर पीसेंगे, क्योंकि आज हम देसी तरीके से बथुए का रायता बनाने जा रहे हैं, तो हम इसमें मिक्सी की हेल्प नहीं लेंगे। आप चाहें तो इसमें मिक्सी की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन हम इसे सिल बटने से अच्छे से पीसेंगे दोनों हाथों से। तो देखिए दोस्तों, हमारा बथुआ पीसकर तैयार हो चुका है। अब हम 6 से 7 हरी मिर्च मिक्सी में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। उसे बहुत बारीक ग्राइंड करना है दोस्तों, ज़्यादा मोटी नहीं रखना है, उसे बिल्कुल पेस्ट बनाकर तैयार करना है। तो दोस्तों, हमारा मिर्ची का पेस्ट भी तैयार हो चुका है। अब हम करीब आधा किलो दही लेंगे एक बाउल में। तो दोस्तों, आप चाहें तो बाहर से मार्केट की बनी हुई फ्रेश अमूल दही भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर घर की बनी हुई दही का इस्तेमाल किया है। तो ये करीब हम आधा किलो दही है दोस्तों। तो दोस्तों, आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको आपकी दही गाढ़ी लग रही है तो आप पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर मेरी दही गाढ़ी लग रही है थोड़ी सी, तो मैं इसमें करीब हम 1 ग्लास के करीब पानी ऐड करूँगी। अब इसमें दोस्तों, जो हमने 6 से 7 हरी मिर्च ग्राइंड करके रखी थी, हम उसका पेस्ट इसमें मिलाएंगे। मिलाने के बाद उसे भी हम मशीन की हेल्प से अच्छे से मिला लेंगे, ताकि मिर्च अच्छे से दही में मिल जाए। उसके बाद जो हमने बथुआ सिल बटने पे पीसा था, उसे हम दही में मिलाएंगे। उसे मिलाने के बाद भी उसे हम मशीन से अच्छी तरीके से मिला लेंगे, ताकि वो दही में अच्छे से कवर हो जाए। उसके बाद हम गाढ़ा पतला, आपको जैसा पेस्ट रखना है आप ऐसा उसमें पानी मिला सकते हैं। उसके बाद हम इसमें स्वाद अनुसार नमक मिलाएंगे। नमक मिलाने के बाद दोस्तों, 1 चम्मच काली मिर्च मिलाएंगे। इन सबको मिलाने के बाद दोस्तों, हम इसे अच्छे से मशीन से मिला देंगे। तो दोस्तों, हमारा रायता बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे छौंकने की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक छोटी सी कढ़ाई रखी है, उसमें आप जो भी ऑयल यूज़ करें वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है। अब हम इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे। तो दोस्तों, हमारा जीरा चटक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हींग। हींग भी हमारी दोस्तों भुन चुकी है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 2 साबुत लाल मिर्च। इसे डाल के हम दोस्तों अच्छी तरीके से गैस पर इसे भून लेंगे। भूनने के बाद दोस्तों, हमारा छौंक तैयार हो चुका है। अब हम इसे अपने रायते में डाल देंगे। डालने के बाद दोस्तों, हमें ये 2 मिनट के लिए ढक देना है। उसके बाद दोस्तों, देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको। आप चाहें तो इसमें बूंदी ऐड कर सकते हैं, चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इसमें 1 कटोरी बूंदी मिलाई है। तो दोस्तों, हमारा बहुत ही लजीज रायता बनकर तैयार हो चुका है। आप चाहें तो इसे लंच डिनर किसी में भी सर्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।